ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, आज हैं परिवर्तनी एकादशी। धर्म शास्त्रों में परिवर्तनी एकादशी को सभी एकादशी में बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी के वामन अवतार हुआ था। परिवर्तनी एकादशी की कथा अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुन ले तो सुनने मात्र से सभी कामना की पूर्ति होती है, कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती। यह कथा सुनने से सभी पाप मिट जाते हैं एवं इस कथा को सुनने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस कथा को सच्चे मन से सुनने से भयंकर गरीबी भी मिट जाती है। कैसे भी आप कष्ट में घिरे हो, परेशानी में घिरे हो, वह परेशानी समाप्त हो जाते हैं। तो सच्चे मन से यह कथा सुनना और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। दर्शकों, हिंदू पंचांग के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस बार यह व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्र के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है और धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आप भी परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही रख लीजिए, और अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो यह कथा ध्यान से सुनिए। व्रत करने के बराबर ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताई थी। त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पराक्रम से इंद्र और अन्य देवतागण भी डर गए थे। उसने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था। उसके डर से सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। वहां जाकर के उन्होंने दैत्य राजा बलि की भय से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थनाओं को सुनकर के भगवान विष्णु ने उस वक्त वामन अवतार धारण किया। वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु राजा बलि के पास गए और उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। भगवान विष्णु के वामन रूप को देख करके राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। राजा के वचन देने के बाद भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना विकलाल रूप धारण कर लिया। रूप को इतना बड़ा बना लिया कि उन्होंने 1 पग में स्वर्ग को, दूसरे पग में धरती को और तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं बचा। वामन देवता के लिए जगह ही नहीं रहा। तब उन्होंने राजा बलि से कहा कि मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? भगवान का यह वचन सुनकर राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखें। यह कहकर उसने अपना सिर वामन देव के सामने में झुका लिया। तब वामन देवता ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। उसकी इस भक्ति को देख करके भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पाताल लोक भेज दिया। इस तरह से भगवान विष्णु के वामन रूप धारण करने का उद्देश्य पूरा हुआ। देवताओं को भी राजा बलि के आतंक से मुक्ति मिल गई। तभी से यह व्रत संसार में परिवर्तनी एकादशी के नाम से यह दिन विख्यात हुआ और इस व्रत को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाने लगे। इस व्रत को लेकर भगवान कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है, उनके यह व्रत को रखता है, उनके सभी पाप मिट जाते हैं एवं उनके जो गरीबी है, जो जीवन में कंगाली है, जो जीवन में परेशानी है, वह परेशानी दूर हो जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर इस कथा को सुनते हैं तो उनके जीवन में चरी कष्ट दूर होते हैं, जीवन में चल रही परेशानी दूर होते हैं एवं उन्हें अक्षत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए, और इस कथा को शेयर करने से, इस कथा को अपने दोस्तों यारों में भेजने से पुण्य की प्राप्ति होता है एवं लक्ष्मी की कृपा मिलती है, भगवान नारायण का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।